सो वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल कल्चर बॉक्स। और आज हम लोग कर्नाटका के हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स आपको दिखाने के बाद हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र, जहां पे आज हम आपको बताने वाले हैं वर्ली आर्ट के बारे में। तो गाइस ये आर्ट काफ़ी साल पुराना है और ये यहां के वर्ली ट्राइब द्वारा कई सालों से बनाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को बताते हैं कि वर्ली आर्ट किस तरीके से बनाया जाता है। इस आर्ट फॉर्म में सबसे पहले एक मिक्सर तैयार किया जाता है, जो कि गोबर, मिट्टी और पानी की मदद से ये मिक्सर तैयार होता है। इस सारे मिक्सर को पहले घोलते हैं और बहुत ही पतला पेस्ट इससे निकालते हैं। इसके बाद इसमें फेविकॉल को ऐड किया जाता है, जो कि इस पूरे पेस्ट में बाइंडर का काम करता है। यहाँ पे इस फेविकॉल को डाला जा रहा है ताकि जब ये मिक्सचर क्लॉथ के ऊपर अप्लाई किया जाए तो फिर वो अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद इस मिक्सचर को अच्छे से मसलिन के कपड़े के ऊपर लगाया जाता है। फिर इस मसलिन के कपड़े को 1 से 2 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। मसलिन क्लॉथ के सूखने के बाद इस पर वाइट कलर से डिज़ाइन किया जाता है और ये कलर दोस्तों बिल्कुल नेचुरल होता है, जो कि चावलों को पहले भिगो के एक्स्ट्रा पानी निकाला जाता है। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर चावलों को पीसा जा रहा है। ये लोग चावलों को जब तक पीसते हैं जब तक वो बिल्कुल फाइन पाउडर ना बन जाए। इसके बाद इस फाइन पाउडर को 15 से 20 मिनट के लिए धूप में सुखाया जाता है और धूप में सुखाने की वजह से इस पाउडर में से सारा मॉइस्चर निकल जाता है। फिर इसी चावल के पाउडर को लेकर मसलिन क्लॉथ में से छाना जाता है ताकि जितने भी मोटे कण हैं वो अलग हो जाए और हमारे को और भी पतला पाउडर बन के निकले। फिर इस चावल के पाउडर को यूज़ करा जाता है और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया जाता है ताकि ये कलर बन के तैयार हो जाए। यही नेचुरल कलर बैम्बू के स्टिक की मदद से वर्ली डिज़ाइन बनाने में काम आता है। ये वर्ली डिज़ाइन मोस्टली ज्योमेट्रिकल शेप के होते हैं, जिसमें सर्कल, सेमी सर्कल, डॉट्स, लाइन और स्क्वायर का यूज़ करा जाता है, जो कि अलग अलग नेचर से इंस्पायर्ड होते हैं। ये काम काफ़ी मेहनत भरा होता है और ये सारा हाथ का काम होता है, तभी वर्ली डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इस वर्ली डिज़ाइन को शर्ट, टी शर्ट, हैंडीक्राफ्ट आइटम और गिफ्ट में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है। तो चलिए अब हम मिलाते हैं इसी वर्ली ट्राइब के एक आर्टिसन से। संजय पराड़ है, मैं एक वार्ली आर्टिस्ट हूँ जो वार्ली चित्र निकालता हूँ। तो मुझे लगभग इस क्षेत्र में 22 साल हो गए हैं वार्ली पेंटिंग करते हुए, और मेरी पेंटिंग जो है अभी दीवार पे नहीं गई, वो कपड़े पे लेके भी काफ़ी सारा जगह फेर चुकी है, जो अपने देश में नहीं तो विदेश में जा चुके हैं, जो लगभग 15 कंट्रीज में मेरी पेंटिंग गई हुई है अलग अलग कंट्री में, और वहाँ की जो गैलरी है वहाँ पेंटिंग गई हुई है। हर साल मेरे पेंटिंग का एग्जीबिशन लगता है बाहर। वार्ली पेंटिंग जो है ये सिंबॉलिक कला है, ये आदि मानव था तो उस टाइम में कुछ भाषा वगैरह नहीं थी,
वो बोल नहीं सकते थे, तो उस टाइम कह सकते थे कि कोई भी दृश्य हो, कोई भी प्रसंग हो, डेंजरस का या शिकार का, वो सिंबल के रूप में बनाते थे। ये भी एक सिंबल ही है, जब हमारे घर में चावल आ जाता है तो ये सिंबल निकाला जाता है, तब नया चावल खाने के पहले पूजा होती है और उसके बाद ही खाया जाता है। तो ये एक नया चावल खाते हैं, उसका एक ये सिंबल है। आपने कहाँ से शुरुआत की थी इसकी? ये तो ऐसे पारंपरिक कला है, तो मैंने बचपन से पेंटिंग की शुरुआत की थी, लगभग एक 10 साल से की होगी, तब तो पेपर पे करता था। 2007 से तो कमर्शियल करने लगा, उसके पहले मैं दीवार पे ही करता था। तो आपके शुरुआत मतलब घर से ही हुई? घर से ही। कौन बनाते थे आपके घर पे पेंटिंग? हमारे घर में पहले दादी बनाती थी, मतलब जो शादी का चौक रहते हैं वो नहीं करती थी, ऐसा कमर्शियल नहीं करती थी, कपड़े पे वगैरह वो दीवार पे करती थी। ये जो आकृति ली हम लोग ने प्रकृति से ली, जैसा ट्रायंगल हो गया माउंटेन से लिया, गोल जो सूरज से लिया, हाफ राउंड जो है चंद्रमा से लिया, डॉट जो है स्टार से लिया, लाइन जो है पेड़ पौधे से लिया, इस ये सब शेप लेके वाली पेंटिंग बना। तो शुरुआत मैं ट्रायंगल से ही करूँगा। पहले देखिए मैंने ये लाइन खींच ली, उसके बाद लंबी, उसके बाद थोड़ी छोटी की, थोड़ी छोटी की, छोटी छोटी छोटी। कमर्शियल अभी अभी तो पेपर पे ग्रीटिंग होता है, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह हो, और कैनवास पे पेंटिंग होते हैं फ्रेमिंग के लिए, और कपड़े पे होता है, टी शर्ट पे, साड़ी पे, दुपट्टे पे, और दूसरा छाती के ऊपर, दूसरा उड़न जो प्रोडक्ट है, टी कोस्टर हो गए, ट्रे हो गए, ऐसे लकड़ी के अलग अलग प्रोडक्ट पे मैं पेंटिंग करता हूँ, और ग्लास के ऊपर भी पेंटिंग करता हूँ, कांच के बॉटल्स वगैरह, और सिरेमिक के ऊपर भी पेंटिंग करता हूँ। जो चित्र पूजा में इस्तेमाल होते हैं वो हम लोग कहीं भी नहीं निकालते, ये हमारा चित्र पवित्र है, तो चप्पल जैसे अंतिम हम लोग चित्र नहीं निकालते। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे वर्ली ट्राइब के लोगों के लिए ये आर्ट फॉर्म कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये लोग इसकी पूजा भी करते हैं। तो आज आपने जाना महाराष्ट्र के GI टैग वर्ली आर्ट फॉर्म के बारे में। सो गाइस अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नए आर्ट फॉर्म के साथ, और हमारे इस हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सीरीज़ के साथ बने रहिए। तब तक बाय बाय एंड बी सेफ़।